नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज के एक वीडियो लेकर आए हैं। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद एक ऐसा स्मार्टफोन हमने देखा है जो कि रियलमी कंपनी से है, रियलमी 8 5G। और दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये जो है स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अभी कोई भी स्पॉन्सरशिप से संबंधित ये वीडियोस नहीं बनाए जा रहे हैं। अभी जो भी वीडियोस हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए और हमारे वीडियोस को देखने वालों के लिए हैं, ताकि उन तक जो है सही और बेहतर जानकारी पहुँच सके। आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको ये फ़ोन जो है। आप देख सकते हैं Realme 8 5G काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, और इसकी सबसे खास बात यह है दोस्तों, ये 5G सपोर्टिव के साथ साथ जो है बहुत ही कम रेंज में लॉन्च किया है Realme ने। आप इसका जो 4 और 64 GB वाला वर्जन है, उसको आप 14,000 से भी कम में ले सकते हैं। अब दोस्तों, उसकी जो खास चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये 5G सपोर्टिव है और ऐसे में काफ़ी सारे स्मार्टफोन जो है सिंगल स्लॉट के साथ 5G आ रहे हैं। इसके जो है दोनों स्लॉट 5G सपोर्ट करेंगे, ऐसा बताया गया है। इसके अलग अलग वेरिएंट हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। स्टोरेज और रैम वाइज, कलर वाइज भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम इसके मेन स्पेसिफिकेशंस पर आते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आप देख सकते हैं 5G प्रोसेसर का यूज़ किया गया है, Dimensity 700, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है ये 5G सपोर्टिव। और ये जो है आपको, अगर आप गेमिंग यूज़र हैं, आप 5G अभी तक तो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन अब जैसे कि न्यूज़ चल रही है, हो सकता है 5G आने वाले साल में जो है लॉन्च हो जाए, तो उसके लिहाज से भी ये MediaTek का Dimensity 700 प्रोसेसर काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा रहा है डुअल 5G है, दोनों सपोर्ट करेंगे 5G। दोस्तों, इसी के साथ आप देख सकते हैं स्लिम एंड लाइट मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पर लिखा आ रहा है, क्योंकि इस चीज़ पर ज़्यादा हम गौर इसलिए कर रहे हैं, अभी जब ज़्यादा बड़े MAH की बैटरी आ रही थी, और क्योंकि ये फ़ोन 5000 mAh बैटरी के साथ आ रहा है, अभी जब कुछ लेटेस्ट स्मार्टफोन बड़ी बैटरीज के साथ आने लगे थे, तो उनकी जो है थिकनेस थोड़ी सी जो है बढ़ गई थी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 8.5 mm स्लिम इसे रखा गया है। और दोस्तों, 8.5 mm स्लिम इसे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, तो ऐसे में काफ़ी सारे एंटीनास जो है यूज़ किए जाते हैं इसके बिल्डअप के टाइम पर, और उसको मैनेज करके इस थिकनेस के साथ, इस स्लिम के साथ एक डिवाइस को बनाना बहुत ही काबिल तारीफ होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे एंटीनास यूज़ होते हैं 5G के समय, तो आप इसकी स्लिमनेस को भी देख सकते हैं। अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा दोस्तों, 6.5 इंच फुल HD डिस्प्ले है यहाँ पर, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन फिर भी 90Hz सपोर्ट करता है, तो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी इसमें काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, पावरफुल बैटरी है 5000 mAh की। आपको इसमें जो है 18W का चार्जर मिलेगा, जो कि इसे जो है फुल बैटरी चार्ज 2 घंटे में तकरीबन कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रियर साइड का कैमरा 48 MP आपको मिलेगा, और जो फ्रंट कैमरा है, सेल्फी कैमरा दोस्तों, वो आपको 16 MP जो है देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं इंस्टेंट साइड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलने वाला है, यहाँ पर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है, ये आपको साइड बेस में मिलेगा। मेमोरी एक्सपेंशन भी दोस्तों आप कर पाएंगे, और इसका एक और जो खास मैं आपको एक बता देता हूँ, इसमें मेमोरी माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इसके रैम को भी एक्सपेंडेबल कर सकते हैं दोस्तों, डायनामिक रैम का ऑप्शन इसमें दिया गया है। अगर आप 8GB का वेरिएंट लेते हैं, तो आप उसकी रैम को जो है 11GB तक कर पाएंगे आपके इंटरनल मेमोरी के सपोर्ट से। रियलमी UI 2.0 का सपोर्ट इसमें मिलेगा दोस्तों, एंड्रॉयड 11 इसमें सपोर्ट करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और भी आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। एक बात और हम आपको बता दें, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप GPU देख सकते हैं, या माली G57 MC2 का यूज़ किया गया है। जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है 5G सपोर्ट। अब 5G सपोर्ट की इसमें जो बात आती है, क्योंकि दोनों सिम स्लॉट इसके 5G हैं, अभी तक जो स्मार्टफोन्स आ रहे थे वो जो है 2 या 3 बैंड का यूज़ कर रहे हैं 5G के केस में, लेकिन स्मार्टफोन जो रियलमी है 8 5G, इसने 7 5G बैंड का यूज़ किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 5G का सपोर्ट
आपके इंटरनेट प्रोवाइडर, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो आपको सर्विस देते हैं इंटरनेट की, उन पर डिपेंड करेगा कि वो कौन से बैंड पर काम करेंगे और कौन सा बैंड 5G सपोर्ट आपको दिया जाएगा उनकी तरफ से। ऐसे में अगर 7 बैंड का इस्तेमाल ये स्मार्टफोन कर रहा है तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। और जहाँ तक मुझे लगता है 14,000 से कम में और 15,000 से कम में ये अभी तक का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है समझ आई होगी। अगर आपको ये एप्लीकेशन लेने का मूड है और आप भी 5G में स्विच करना चाहते हैं तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।